वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? और ठीक हैं सब? और क्या चल रहा है? और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए या कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ और इसके अंदर डाला जाए, इनपुट दिया जाए, मुझे बताएं, सजेशन दें, ताकि मैं उस हिसाब से जो है वो वीडियोस बनाऊं। तो बस आज थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ लेट उठे और सुस्ती काहली और इसके अलावा कुछ मसरूफियत थी, और इस वजह से भी जो है अदरवाइज जो है व्लॉगिंग हो ही जाती, सुबह स्टार्ट हो जाती है, आज थोड़ा लेट हो गई। एनीवेज आज का दिन इसलिए फ्री फ्री है क्योंकि आज हम जाएंगे दावत पे। आज हम जा रहे हैं निधा बाजी के घर, मेरी नंद जो है उनके घर जा रहे हैं दावत पे। तो बस आज जो है थोड़ा सा मैं स्लो और फ्री फ्री से गुजरूंगी, और इसके अलावा जो है हसन को मैं छोड़कर आ चुकी हूँ उनके घर, क्योंकि उनका घर बैक उसमें ही है, अंदर कंपाउंड में। तो मैं उसको छोड़ के आ चुकी हूँ, हमज़ा को सुला दिया है, और अब मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो बस अब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आप लोगों से हेलो हाय कर ली है, तो अब आगे का रूटीन आपसे शेयर होता है। ये है आज का मेरा ड्रेस, ये देखें, आज मैंने ये पहने, ये क्लोज क्लोज क्लोज। और ये है आज का मेरा न्यू लुक। मैंने ब्रेडशीट वगैरह चेंज कर दी है कमरे की, अपने बेडरूम की। हम निधा बाजी के घर आ गए थे और सब बैठे हुए बातें शातें कर रहे थे, और निधा बाजी अपना खाना बनाने में मसरूफ थे, और ये खाना रेडी हो गया। पुलाव बनाया था और फिश फ्राई की थी, उसके साथ फ्राइज़ और कोरमा था। सब सब ने मज़े लेके खाया, खाना बहुत मज़ेदार था। फिर बच्चों ने यहाँ पे एक्सबॉक्स जो है वो लगाया, और उसके बाद उन्होंने जो है खूब गेम शेम खेले हैं, और बाकी सब जो है वो बातें करने में मसरूफ़ थे दूसरे कमरे में, और बच्चे यहाँ पे अपने गेम में मसरूफ़ थे। तो बस इसी तरह जो है हम सब बातें कर रहे थे, और अच्छी गैदरिंग हो जाती है, बहुत मज़ा आता है, आपस में सब बैठते हैं और बातें बातें करते हैं, और बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे अच्छे इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम टेरेस पे बैठ के हमने चाय का सेशन किया, और अब फिर आ गए हम अंदर, और यहाँ पर बर्थडे की सेलिब्रेशन। असल में मुस्तफ़ा की बहुत सारी बर्थडे मना ली गई हैं, तो बस ये थी लास्ट बर्थडे जिस पे जो है आसिफ भाई मौजूद थे, तो फिर ये वाली बर्थडे जो है वो एक और दफ़ा कर ली गई। तो यहाँ पर जो है वो केक कटने का इंतज़ार हो रहा था, और सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और ये मुस्तफ़ा जो है हमेशा की तरह बस केक का जो है कचूमर बनाने के लिए तैयार है। तो हसन और हमज़ा बराबर में बैठे हैं, हमज़ा बहुत एक्साइटेड होता है जब भी बर्थडे होती है किसी की, उसे लगता है उसकी बर्थडे। तो बस यहाँ पर यही चल रहा था, शोर बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो केक काटने में इसलिए देर लग रही थी कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा सॉन्ग लगाएं, तो कभी मैं गा रही थी, कभी सॉन्ग लगाने की कोशिश, तो बस दुआ जो है वो कोई सॉन्ग सर्च कर रही थी कि वो लगाया जाए, तो बस यहाँ पर वो लगा दिया। और जो है फिर मुस्तफ़ा साहब केक काटने के बजाय वो वीडियो देखने में लग गए, तो बस ये हो रहा था। और साथ साथ जो है वो केक काटने की जो है वो तैयारियां थी ज़ोरों शोर पर, और ये आप हमज़ा को देख सकते हैं, और आप ये देखें, बस फाइनली बच्चों ने नाइफ थाम ली और मज़े से केक कचूमर बना दिया है, काटा ही नहीं उसका, कचूमर भी बना दिया है। और ये इनसे छीना गया है कि भाई अब बस कर दो, इसको जो है खाना है, इसका जो है वो मलिदा नहीं बनाना है। तो बस यहाँ पे देखिए, ये मुस्तफ़ा को जो है खिलाया गया है, और पीछे अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं कितने मज़े से जो है वो
जायज़ा ले रहे हैं सोफ़े पे बैठ के कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी सबको बच्चों को केक खिलाते हुए और ये एक और दफ़ा अब अब्दुल्ला को देखे, फोकस करें उसे कि कितना क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब जो है वो बच्चों में केक की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की जा रही है और इसी तरह दिन जो है हमारा ख़त्म हो गया। तो बस घर आके व्लॉग एंड करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस जो है घर जाके सो गए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर और अच्छी अच्छी वीडियोस और जो है डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को इंजॉय कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।